नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ सतबीर सारण और आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज़। और मेरे साथ जो मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं दीपेंद्र जी हुड्डा, वो आज जुड़ेंगे गांव चाडीवाल में। और उनके साथ जो पूरी सरपंच एसोसिएशन सिरसा है और जो देश की उप प्रधान है संतोष पेणीवाल, वो उनको ज्ञापन देने आई है और बातचीत करते हैं एमपी साहब से। एमपी साहब, पहले तो आपका इस 45 साल की धरती पर स्वागत है कि आप आए हैं, आपका कीमती समय निकालकर। दूसरी बात की आज जो हरियाणा प्रदेश में जो हालात हैं, जो चुनी गई पंचायतें हैं वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं और सरकार की तरफ से कुछ बात करने को तैयार नहीं है, तो आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज सरपंचों के अधिकार और पंचायतों के अधिकारों से पंचायतों को वंचित किया जा रहा है। अगर ये 2 लाख की पावर देनी थी और ये इतने ही अधिकार देने थे सरकार को, तो चुनाव क्यों कराया? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये इसमें सरकार केवल सरपंचों के साथ धोखा नहीं कर रही, ग्रामीणों ग्रामीण एक एक ग्रामीण नागरिक के साथ भी धोखा कर रही है। क्योंकि जब सरपंच इलेक्शन लड़ते हैं तो चुनाव के अंदर बहुत चीज़ें बहुत वायदे किए जाते हैं, बहुत हरियाणवी में बोलते हैं, बहुत काम उठते हैं कि भाई हम अगर मौका मिलेगा तो ये कराएंगे। लेकिन अगर अधिकार ही नहीं है, पावर ही नहीं है, उनको आप अधिकारों को छीनने का काम करेंगे तो फिर आपने चुनाव ही क्यों कराया? ये इस सरकार की जो नीयत और नीति है वो पंचायती राज की संस्थाओं को लेकर वो ठीक नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य आज ये हमारी बहन संतोष बेनीवाल जी और जो सारी सरपंच एसोसिएशन ने आज ये जो एक मेमोरेंडम के माध्यम से जो सरपंचों की सारी मांगें बताई हैं, लगातार मैं एक एक ब्लॉक में जा रहा हूँ जहाँ सरपंच बैठे हुए हैं, उनका भी हम समर्थन करते हैं। ब्लॉक्स में जाकर जो इनके रणवीर गिल हैं, जो इनके प्रदेश के, जो उनसे भी कल मेरी बात हुई, तो जो है जो सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हैं, तो इनकी मांगों को हम बिल्कुल ठीक मांग मानते हैं, इनकी मांगों का समर्थन करते हैं। हम विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल इस बात को मजबूती से हुड्डा साहब के नेतृत्व में उठाने का काम करेगा सरपंचों की मांगों का। और संसद के अंदर मैं एक बार इस पर उठा चुका हूँ इस मामले को, लेकिन दोबारा से इस संसद के अंदर हम उठाएंगे। हुड्डा साहब, एक बार मैं पहले आपसे मिला था तो हरियाणा में कोई युवाओं को 75% रोजगार देने की बात हुई है, क्योंकि हम हरियाणा के अंतिम छोर में बसते हैं तो शायद हमें पता नहीं लगा होगा, आप तो हरियाणा में घूमते हैं, क्या हिसार से आगे आगे वाले युवाओं को नौकरियाँ मिल गई हैं? ये देखिए, ये सरकार ये दोहरे चरित्र की सरकार है, ये कहती कुछ है और करती कुछ है। और ये इस तरह की सरकार है, मैं इस पर दोबारा आना चाहूँगा कि इसने सरकार ने मंत्री भी कैसे बनाए हैं। इसने सरकार ने इस तरह के मंत्री बनाए जो कृषि मंत्री हैं, वो जब किसान आंदोलन था तो किसानों की जो है जो जिनकी जान चली गई थी उनका मजाक उड़ा रहे थे, उनको अपमानित करने का काम कर रहे थे। जो खेल मंत्री हैं उन पर खिलाड़ियों के शोषण के आरोप लग रहे हैं, और जो पंचायत के मंत्री हैं वो सरपंचों को चोर बता रहे हैं। तो ये ऐसे कैसे मंत्री ये ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, टोटो के लाते हैं कि जिस महकमे में फिट होते हैं कृषि मंत्री किसानों का अपमान करे, पंचायत मंत्री सरपंचों का अपमान करे और खेल मंत्री खिलाड़ियों का। तो ये क्या हरियाणा के अंदर कैसी असंवेदनशील सरकार है? ये सारी असंवेदनशीलता की हदें पार कर ली सरकार ने, और इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि भाई सरपंचों के अधिकार सरकार बहाल करे। इनफैक्ट हरियाणा में तो सरपंचों के अधिकार बाकी प्रदेशों से कम है, राजस्थान जैसे प्रदेशों में, जो यहाँ पे तो धीरे धीरे पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार क्षेत्र बढ़ाने चाहिए धीरे धीरे। मैं ये नहीं कहता एक दिन में वैसा हो जाए, लेकिन बढ़ाने की तरफ बढ़ना चाहिए। यहाँ पर इनके अधिकार खत्म कर दिए, और ये उलझाने वाली सरकार भी है। ये क्या बयान था कि पंचों को देंगे पावर? लोगों ने पंचों को पंचों की जगह चुना है, सरपंचों को सरपंचों की जगह चुना है। ये गाँव के अंदर आपसी भाईचारे को उलझाना चाहते हैं, ये गांव के ग्रामीण ताने वाने को नहीं समझते ये लोग जो बैठे हैं चंडीगढ़ में। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। एक अंतिम सवाल, एक खिलाड़ियों का कोटा जो बंद किया गया सरकार की तरफ से नौकरियों के मामले में, एक तरफ पिछली सरकार की बात करें तो ये चर्चाएं थी कि भी हरियाणा का कोई मेडल लेके आए तो उसको करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, गाड़ियां दी जा रही हैं, अब उनको नौकरी नहीं है हरियाणा प्रदेश में, तो उन खिलाड़ियों के बारे में दीपेंद्र हुड्डा जो एक युवा चेहरा है, प्रदेश के लोगों की आस है, क्या सोच रखते हैं? ठीक है, ये भी एक मैं समझता हूँ कि एक इतनी बड़ी जाति है, अगर ये कुछ नया काम ना करते तो भी हम काम चला लेते हरियाणा वाले स्वाभिमानी लोग, मगर ये तो अपमानित करने पे आ गए। इन्होंने तो हमारा स्वाभिमान छीनने का काम किया, जो हमारे खिलाड़ी जो देश की शान जिन जो देश के तिरंगे को ऊपर करना काम करते हैं। आज हरियाणा में 9 साल से जो हुड्डा साहब की जो नीति थी हुड्डा सरकार में, पदक लाओ पद पाओ, 750 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र मिला था जिसके नियुक्त किया गया था हरियाणा में, डीएसपी से लेकर इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर अलग अलग महकमों में। आज
इन 9 वर्ष के अंदर एक खिलाड़ी को उस नीति के तहत नियुक्ति नहीं मिली। यहाँ तक कि जो आप बाकी कॉमनवेल्थ और एशियाई के मेडलिस्ट की तो बात बाद में आएगी, ओलंपिक विजेता इससे पिछले ओलंपिक में 2 मेडल आए थे पूरे देश के, पीवी संधु और साक्षी मलिक जी, मोखरा गांव की हमारी बेटी है। आज तक साक्षी मलिक दर दर ठोकरे खा रही है, उसको आज तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला। इस वाले जो है अपना ओलंपिक खेलों में जिनके मेडल आए, चाहे वो बजरंग पूनिया है, चाहे वो रवि दहिया है, आप उनसे जाके पूछो कि उनसे क्या उनके साथ सलूक, विनेश फोगाट क्या उनके साथ सलूक किया जा रहा है। अभी जो हाल ही में जो खेलो इंडिया के स्पोर्ट्स हुए हैं, आपको पता है कुश्ती में हरियाणा केवल एक गोल्ड मेडल आया, बाकी सारे ब्रोंज आए। हमारे सारे खिलाड़ी जो है मेडल लेके आते थे देश के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि ये सरकार खिलाड़ियों को भी इतना अपमानित किया, जैसे आपने कहा कि उनको जंतर मंतर पे आना पड़ा अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने मान सम्मान के लिए। और सरकार में एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद उत्तर प्रदेश से उठ के कहते हैं कि ये एक प्रदेश के हैं और एक जाति विशेष के जी। क्या जब तिरंगा ऊपर जा रहा था, जनगणमन का गान पूरी दुनिया के अंदर गूंज रहा था, ये जो बैठे थे जंतर मंतर पे वो भारत देश के पिछले 3 ओलंपिक के 60% मेडल वहीं बैठे थे जी। उनको क्या एक क्षेत्र का, एक अपना जाति विशेष का बताना, क्या संविधान के अंदर इस पे कोई कानूनी मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? और क्या हमारे प्रदेश के मुखिया इस बात पे चुप हो जाएं, चुप रहें? लेकिन ये आज मैं समझता हूँ स्थिति है खिलाड़ियों के प्रति। ये सरकार हर वर्ग को अपमानित करने में विश्वास रखती है, किसानों को अपमानित किया, गरिमा को ठेस पहुँच रही है। और एक जो राजधर्म में एक सम्मान होता है नागरिकों के प्रति, अब सरपंचों का अपमान किया जा रहा है। आपने सरपंचों के अधिकार छीनने, क्या वो कम था जो हर रोज सरपंचों के बारे में कह रहे हैं कि भाई ये जो है कि भाई तो ये चोर शब्द क्या ये का उपयोग होना चाहिए? जी, जी, जी। मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। हमारे सरपंच साहब दूसरी बार जीत के आए जी। अगर इन्होंने अपनी पूरी 100% ईमानदारी से काम नहीं किया होता तो दूसरी बार इनको मौका नहीं मिलता जी। ऐसे आप कितने सरपंच, और ये तो जनता का काम है, अगर कोई सरपंच अगर गलत रास्ते चलेगा तो जनता अगली बार उसको साफ कर देगी जी। जैसे कोई विधायक दूसरी बार चलेगा, अब देखते हैं ये क्या होगा, ये जो अपना जो बबली जो बता रहे हैं ये सारी बातें अगले चुनाव में देखते हैं हम भी। तो ये कहने का मतलब ये है कि भाई ये फैसला लोगों का होता है, ये सरकार के मंत्रियों का ये काम नहीं है। हम इनको कहना चाहते हैं सरपंचों के अधिकारों को बहाल करें, संदीप सिंह जैसे मंत्री को बर्खास्त करें, ताकि हरियाणा की जनता जिसका अपमान इसी सरकार कर रही है तो कुछ मलम लगे जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हुड्डा साहब आपका। ये थे हमारे साथ दीपेंद्र जी हुड्डा, जिन्होंने बहुत विस्तारपूर्वक बताया कि हरियाणा प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है। आप तमाम जानकारियां देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज़ पे। मैं आपके साथ सतवीर सारण, कैमरा पर्सन जोनी शर्मा के साथ, धन्यवाद।